रतलाम जिले की नामली शासकीय उपार्जन केंद्र 1 व 2 पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की उपज तुलाई का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ। शुरुआती दिन में सब कुछ सही चला। जैसे जैसे किसानों को SMS बढ़ने लगी, किसान द्वारा उपार्जन पर गेहूं के ट्रैक्टर ट्रॉली ज्यादा लेकर आए, व्यवस्था चरमराने लगी। पानी की नाम तो रख दी गई, पर कोरोना के कहर में एक ही जगह सभी हाथ लगाकर पानी पीने से भी परहेज करते रहे। किसान तेज धूप में अपने नंबर का इंतजार करते रहे, पर बैठने की उचित व्यवस्था तो नहीं मिली। जो व्यवस्था थी उसमें शासन के निर्देशों का पालन करें तो उस हिसाब से 10 से 20 किसान ही छांव में बैठ सकते हैं, पर 2 केंद्रों पर तकरीबन 100 किसान से ज्यादा रोज आने लगे हैं। साथ में कुछ एक साथ ट्रैक्टर के ड्राइवर भी बैठने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। 4 लेन के पास एक जगह ही दोनों केंद्र हैं और किसान द्वारा लाए जाने वाले वाहनों को क्रम में लगाने वाला कोई नहीं है, जिससे किसान अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही वाहन लगा देते हैं। नतीजा आज तो कई बार 4 लेन पर जाम लगता रहा। नामली थाना पर पुलिस को किसी के सूचना पर बल ने मोर्चा संभाला और 4 लेन व ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नंबर से व्यवस्था की गई, पर इसके बीच में इमरजेंसी सेवा 108 को रोड डाइवर्ट भी करते हुए NTV टाइम की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। किसान बंधुओं को पीने का पानी, तेज धूप व क्रम में लाइन भी नहीं लगवा सकते, तो फिर किसान बंधुओं को शासन प्रशासन क्या सुविधाएं देगा? NTV टाइम के लिए धर्मेंद्र चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह परिहार। कौन से गाँव से? स्थान बधुआ सर। क्या लेके आया आज आप? गेहूँ। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पे? व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है यहाँ पे, पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कई किसानों को यहाँ दिक्कत भी आई है। कैसे की दिक्कत, क्या आई है? दिक्कत कई तरह, पानी की सुविधा नहीं है, अंदर पानी, बाहर पानी की सुविधा नहीं है, बाहर कहीं मतलब ट्रैक्टर खड़ा है उनको पानी पीने का नहीं मिल पा रहा है, और कई तरह की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसान। जो ये अव्यवस्था खातिर लाइन लग गई है, और इनमें कुछ व्यवस्था हो सकती थी? इसमें तो व्यवस्था अभी प्रशासन देख रहा है, उसके अनुसार वो अपनी व्यवस्था कर रहा है। अगर ये लाइन लगी इतनी लंबी लंबी और अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम हो रहा बार बार, तो इसमें कुछ हो सकता है? कमी के रहा। क्या होता है ये? और तुलाई वगैरह के लिए धीरे काम चल रहा है? तुलाई के लिए अभी थोड़ा स्लो काम चल रहा है, मतलब हिमालयों की कमी है यहाँ पे और कांटों की भी कमी है। कितने कांटे चल रहे होंगे अभी? कांटे अभी फिलहाल में 5 कांटे चल रहा है। कितने उपार्जन केंद्र हैं यहाँ पे? 2। और लगभग कितने क्षेत्र यहाँ पे, कितनी लाइनें लगी हुई थी अभी गेहूं ट्राली की? नहीं, दोनों साइड गेहूं की ट्रालियां लगी हुई थी और काफी ट्रैफिक जाम भी हो गया था यहाँ पे। अच्छा।